आमतौर पर होम लोन लंबा होता है, 10 से 25 साल तक की अवधि का होता है और कई मामलों में इसे लंबा भी हो सकता है। आंकड़ों पर गौर करें तो बैंक और एनबीएफसी के होम लोन की ब्याज दरों में 2 से 3% तक का अंतर होता है। ये बात अलग है कि तमाम वित्तीय संस्थान बहुत ही कम दर पर लोन देने का प्रचार प्रसार खूब करते हैं, लेकिन जब आप पहुंचेंगे इनके दरवाजे पर लोन लेने के लिए तो कोई और ही ब्याज आपको नजर आएगा और बहुत सारे नियम और शर्तें भी इसमें लागू होती है। इस वजह से प्रचार प्रसार में दिखाए जाने वाली ब्याज दरें हकीकत से कोसों दूर होती हैं। अगर आप किसी तरह से आधा फीसद तक भी सस्ता होम लोन लेने में कामयाब हो जाएंगे तो लंबी अवधि में आपके पूरे खर्चे पर इसका अच्छा खासा असर दिखेगा, यानी आप ज्यादा बचत कर पाएंगे। तो होम लोन से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं loanformsme.com के फाउंडर अमित कुमार तनवर। इनसे आज हम समझते हैं कि अगर आप होम लोन की तैयारी कर रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखें, किस तरह से आपको मिल सकती है बेटर डील और क्या है विकल्प आपके सामने। थैंक यू सो मच अमित, आपने वक्त निकाला मनी नाइन के लिए। तो अभी तो सबसे बड़ी बात जो है अमित वो ये है कि ब्याज दरें जो है वापस से बढ़नी शुरू हो गई हैं, आरबीआई बढ़ा चुका है, संकेत मिल रहे हैं आगे भी बढ़ाएगा। ऐसे में जब भी कोई लोन लेने जाता है तो उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं कि आप फिक्स्ड रेट पर लोन लीजिए या फ्लोटिंग पर होम लोन लीजिए। आप समझाएंगे इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है और किसे क्या चुनना चाहिए? धन्यवाद प्रियंका। जहां तक फिक्स्ड रेट होम लोन की बात है और फ्लोटिंग रेट होम लोन की बात है, होम लोन लेते वक्त ये क्वेश्चन जनरल सभी के सामने आता है जी। इम्पोर्टेंट है आपको ये देखना है कि आपके प्रायोरिटीज क्या हैं होम लोन लेते हुए। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक निश्चित समय में जो आपका टेन्योर है, लोन टेन्योर 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर्स जो भी आप चूज कर रहे हैं उसके अंदर में ही लोन खत्म हो जाए, चाहे मुझे थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा ईएमआई देना पड़े, एक्स्ट्रा लोन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़े, तो हम लोग जो है फिक्स रेट के होम लोन की तरफ जाते हैं। अदरवाइज बैंक्स प्रेफर करते हैं कि बैंक का जो बेंचमार्क रेट है उससे लिंक आपको जो है इंटरेस्ट रेट दिया जाए, जो कि जनरली आज की तारीख में 6.5% 7% 7.5% की रेंज में मार्केट में मिल रहा है। आप सजेस्ट क्या करते हैं, क्या बेहतर होता है? अगर मैं कहूं कि चूज करके मुझे बताइए क्या बेहतर है इन दोनों विकल्प में अमित, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? अगर मुझे अपना 10 इयर्स का अगर मेरा होम लोन है और मुझे 10 इयर्स में ही फिनिश करना है एनी हाउ, चाहे मुझे थोड़ा सा उसके लिए इंटरेस्ट ज्यादा भी देना पड़े, तो मैं फिक्स रेट का होम लोन चूज करूंगा जिसमें मुझे 1 से 1.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ता है। सपोज कीजिए 7% पर आपने होम लोन लिया है तो फिक्स रेट में आपको जो है 8.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो आपको जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बट आपका जो है लोन 10 इयर्स का मतलब 10 इयर्स में खत्म हो जाएगा आपका। लेकिन फ्लोटिंग रेट में ये चीज नहीं है, फ्लोटिंग रेट में थोड़ा डिफरेंट तरीके से चीजें चलती हैं। जब भी आरबीआई रेट की दरें बढ़ाएगा तो आपकी जो है दरें बढ़ेंगी क्योंकि वो जो है बेंचमार्क रेट से लिंक्ड है। बिल्कुल, एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड होता है, तो जैसे ही आरबीआई अपने नीतिगत दरों में बदलाव करता है तो आपके टेन्योर को बैंक्स जो फिक्स कर देती है तो टेन्योर बढ़ जाता है आपका, बढ़ जाता है। ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। ठीक है, चलिए अब एक और बात मैं आपसे समझना चाहूंगी अमित जी, कि होम लोन जब कोई लेने जाता है ना तो हम एक तो इतना बड़ा लोन ले रहे हैं, ऊपर से बैंक्स जो आप पर लगाते हैं प्रोसेसिंग फीस, हर बैंक का अलग अलग प्रोसेसिंग फीस होता है, बैंक से लेकर एनबीएफसी दोनों ही आपसे अच्छी खासी रकम यहाँ पर वसूलते हैं। क्या इस फीस पर एक कस्टमर बार्गेन कर सकता है, क्या उनको बोल सकता है कि आप इतना नहीं लीजिए, या फिर वो रूल का हवाला देकर के बैंक कह देंगे कि नहीं कर सकते हैं, ये निगोशिएबल है या नहीं? मैम कुछ केसेज में नेगोशिएबल है, कुछ केसेज में नेगोशिएबल नहीं है। जैसे सैलरीड के एम्प्लॉय जो होते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज, उनके केस में जो बैंक हैं वो क्या करते हैं, एक फिक्स अमाउंट कर देते हैं, जैसे 3,000 रुपीज या 4,000 रुपीज मैं 5,000 रुपीज का, कि भाई ये आपकी प्रोसेसिंग फी रहेगी। बट कुछ केसेज ऐसे भी होते हैं जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड के केसेज हैं, उनमें जो है प्रोसेसिंग फी 1,00,000 रुपये तक भी चार्ज की जा सकती है। जैसे अगर आपका जो है 3 CR का जो है होम लोन है तो उसके ऊपर आपको जो है अप टू 1,00,000 रुपीज का जो है फीस चार्ज की जा सकती है, तो ये एक थोड़ा सा रहता है, बट इट इज नेगोशिएबल इन केसेस जहां पर जो है थोड़ा फीस का अमाउंट मिनिमम ना होकर के एक मैक्सिमम साइड पे जा रहा है।
ठीक है, तो यहाँ जाकर के अगर कोई लोन लेने की तैयारी कर रहा है वो बैंक में जाकर इस बात पर बैंक से कह सकता है, निगोशिएट कर सकता है कि आप इसे कम कीजिए, और फिर ये कस्टमर की बार्गेनिंग स्किल पर है कि वो कितना बैंक को कन्विंस कर पाते हैं। अच्छा, जब आरबीआई कहता है कि अगर फ्लोटिंग रेट पर किसी ने होम लोन लिया है और वो इसका अगर प्री पेमेंट करता है तो बैंक हो या कोई वित्तीय संस्थान हो वो पेनल्टी नहीं वसूल सकते हैं, फिर भी ये वसूला जा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है और इस आप क्या कहते हैं कस्टमर को वो जब पहुंचे प्री पेमेंट करने के लिए तो किन बातों का ख्याल रखे? प्रियंका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आरबीआई का क्लियर नियम है कि होम लोन के ऊपर अगर आप प्री पे करते हैं उसको कभी भी तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, फोरक्लोजर चार्ज नहीं होगा। लेकिन बैंक्स ने इसका एक ग्रे एरिया बना दिया है, जैसे एक अनऑफिशियली आप एक बैंक से दूसरे बैंक में आपने आज लोन लिया है, विद इन वन ईयर अगर आप टेक ओवर कराना चाहते हैं तो बैंक ने कोई ना कोई कंडीशन लगा रखी होती है पहले तो, कि एक साल से पहले आप टेक ओवर नहीं करा सकते। फिर ये अगर वो कंडीशन भी नहीं है तो सामने जो दूसरा बैंक है वो बैंक भी आपको अलाउ नहीं करता बहुत बार कि आप जो है विद इन वन ईयर उसके पास आकर के होम लोन टेक ओवर कराएं एग्जिस्टिंग बैंक से। तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा कार्टलाइजेशन टाइप का सिस्टम बना हुआ है। राइट, तो बहुत सारे नियम होते हैं और आपने अभी जैसे बात किया ना कि बैंक में ट्रांसफर करते हैं अपना लोन बैलेंस ट्रांसफर, अभी क्या हो रहा है जब ब्याज दरें बढ़ेंगी तो हो सकता है कोई एक बैंक ए जो होगा वो बैंक बी के मुकाबले ज्यादा वसूल रहा होगा ब्याज, और कोई भी शख्स जाएगा कि कम ब्याज के लिए वो अपने बैलेंस को ट्रांसफर करा ले। तो अगर कोई बैलेंस ट्रांसफर करवाता है किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और आप बैलेंस ट्रांसफर करवाना लोन के होम लोन के बैलेंस को ट्रांसफर करवाना सही विकल्प मानते हैं, ऐसा करवाना चाहिए या आपको पुराने बैंक के साथ ही रहना चाहिए? देखिए, ग्राहक का फायदा तो इसमें है कि उसका इंटरेस्ट बचे, उसको ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट ना देना पड़े। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका कितना फायदा हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका एक सिग्निफिकेंट फायदा है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूंगा कि अगर 10 पैसे की ईएमआई आप जो है 10 पैसे का इंटरेस्ट रेट आपका ईएमआई में बचता है तो लगभग लगभग 1 से 2 ईएमआई का आपको फायदा हो जाता है एवरी 10 पैसा का जो आप जो है इंटरेस्ट रेट घटता है उसकी वजह से। अगर आपको 50 पैसे का फायदा हो तो आप मान करके चल सकते हैं कि आपको 10 ईएमआई का जो आपका अमाउंट जाना था वो आप बचा लेंगे। तो आपको इसी तरीके से मोटा मोटा देख लेना चाहिए कि आपका कितना पैसा जो है बच रहा है और एंड अकॉर्डिंगली आप जो है डिसाइड करें। फैक्टर्स हैं, आपको जो है थोड़ा सा एप्लीकेशन वगैरह का जो काम होता है वो भी करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा आसान होता है उसको करना लेकिन पब्लिक सेक्टर में थोड़ा सा टीडियस है आज भी। आपको पर्सनली हो सकता है विजिट करना पड़े पब्लिक सेक्टर बैंक की ब्रांच को, देन आपको लीगल और टेक्निकल के लिए पेपर्स वगैरह देने पड़ते हैं, आपको जो है आपके घर पे कोई आएगा विजिट करने के लिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक आपको एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है, कुछ फैक्टर्स रहेंगे प्लस आपको जैसा अभी हमने कहा प्रोसेसिंग फी भी डिमांड कर सकता है सामने बैंक, तो आपको वो फैक्टर भी कंसीडर करना चाहिए। बट ओवरऑल अगर आपका सेविंग सिग्निफिकेंट हो रहा है, आप 2-3-5 लाख रुपीज बचा पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको स्विच ओवर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप स्विच ओवर कर सकते हैं लेकिन जैसा कि अमित जी ने हाईलाइट किया कुछ एडिशनल कॉस्ट आप हो सकता है पे कर रहे होंगे, तो एक बार ये जरूर देख लीजिएगा कि इंटरेस्ट कम होके जो फायदा मिल रहा है वो कहीं इस कॉस्ट से उसकी भरपाई ना हो रही हो। और अगर मैं एक फिक्स्ड रेट में मैं लोन किसी बैंक के साथ है मेरा होम लोन अमित जी और मैं उसे जब ट्रांसफर करूंगी अगर तब मुझे वहां पर पेनल्टी देनी होगी, राइट? लेकिन अगर मेरा एक फ्लोटिंग रेट पर लोन है तब तो मुझे कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी जिस बैंक से मैं लोन को ट्रांसफर कर रही हूँ? मैम, कुछ बैंक्स में फिक्स रेट पर पेनल्टी लगा दी जाती है, कुछ बैंक्स में वो भी नहीं लगाई जाती। अगर आपने जब फिक्स रेट का आप लोन ले रहे हैं अगर आपने पहले से ही नेगोशिएट किया हुआ है कि भाई मैं कोई प्री पेमेंट चार्जेज एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो नहीं होगी कोई भी पेनल्टी। ठीक है, तो ये जो पेनल्टी का क्लॉज है ये भी जब आप होम लोन लेने जाएं तो जरूर चेक करें कि आपका बैंक इसको रोल, आपको उस समय लग सकता है कि क्या मुझे जरूरत पड़ेगी पर आगे हो सकता है आपको जरूरत पड़े, तो ये पेनल्टी की बात भी जो है निगोशिएबल है जैसा कि अमित जी समझा रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि मैं ये नहीं दूंगा, आप इसको ऐसे कीजिए, तो ये एक अच्छी बात समझ में आई कि आप प्रोसेसिंग फी पर निगोशिएट कर सकते हैं, आप पेनल्टी चार्जेस पर निगोशिएट कर सकते हैं। अब ये बताइए, आजकल अमित जी बहुत सारे कंज्यूमर्स भी हमें लिखते हैं कि होम लोन लेंगे और बैंक हो या एनबीएफसी हो उन्होंने साथ में इंश्योरेंस भी चिपका दिया कि भाई आप इंश्योरेंस भी ले लीजिए इसी के साथ मिल रहा है, क्या इस इंश्योरेंस को लेना चाहिए, ये बीमा कितना जरूरी होता है? मैम देखिए प्रियंका जी, इसमें एक बड़ा ही सिंपल सी चीज है,
आपको अपने ऑब्जेक्टिव को, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो है आपका, उसको क्लियर रखना चाहिए। अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो इट्स अ कॉस्ट टू यू, आपको एक सर्टेन अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पे करना है। सिमिलरली अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो जो है अब आपको अगर इंश्योरेंस का भी पैसा देना पड़ रहा है, इट्स एडिशनल बर्डन टू यू। अगर आपको एडिशनल बर्डन आ रहा है आप उसके लिए, और ये बैंक की साइड से मैंडेटरी कभी भी नहीं होता है, बट बैंक क्या करता है, वो जो भी आपको होम लोन का प्रोडक्ट दे रहा है वो आपको थोड़ा सा जो है रिलेशनशिप बेसिस पे, वो थोड़ा सा आपको ये ट्राई करता है, आपको समझाने की कोशिश करता है कि अगर आपकी कल को डेथ हो जाती है, कुछ आपके साथ में इवेंचुअली गड़बड़ हो जाती है, तो उस केस में कम से कम जो है आपके परिवार के ऊपर एक बोझ नहीं पड़ेगा। अब जब ये चीज आती है तो उसका जो है लिंक कर दिया जाता है, और उसमें भी जो है बड़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं इस इंश्योरेंस के साथ में भी। ये पहले तो बात, ये पार्ट एंड पार्सल नहीं है आपके होम लोन का, नोट आरबीआई के हिसाब से मैंडेटरी नहीं है। कस्टमर बिल्कुल क्लियरली इसको मना कर सकता है लेने के लिए कि मैं नहीं लूंगा, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कस्टमर को। अगर ये बिकता है तो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप बेसिस पे बिकता है। आप क्लियरली मना कर दिया आपने, आप कह सकते हैं कि भाई मैं एक टर्म प्लान अलग से ले लूंगा। सपोज कीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का जो है होम लोन लिया है, आप 1 करोड़ रुपए का अलग से टर्म प्लान ले लीजिए। अगर बाई चांस इवेंचुअल जो है हो जाता है, जो नहीं डेथ हो जाता है, तो उस केस में जो है एटलीस्ट आपका जो है होम लोन बाहर से बाहर पे हो जाएगा, आप उसमें सेफ रहेंगे। आपको ये महंगा इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली इसका प्रीमियम तो आप ही देंगे, आपके ईएमआई का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है अगर आप ये लेंगे तो। मैं प्रियंका जी इसमें एक चीज और ऐड करूं, कई बहुत बार ये देखा गया है, जैसे मेरे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं उनको ये ऐसी टाइप का इंश्योरेंस बेचा गया है, राइट। जब वो हमें मिलते हैं कस्टमर्स तो देखते हैं कि उनका जो 5 या 7 इयर्स के लिए जो है उनको जो है ये लोन प्रोडक्ट दिया, इंश्योरेंस प्रोडक्ट दिया गया था, जबकि लोन आपका 12 इयर्स का, 15 इयर्स का, 20 या 30 इयर्स का भी है कुछ केसेस में। अब जब जो है 20 इयर्स का आपका जो है होम लोन है तो आपको 5 ईयर का इंश्योरेंस बेच करके सिर्फ और सिर्फ बैंकों ने पैसा कमा लिया है आपसे। बिल्कुल, तो ये एक तरीके कहीं ना कहीं मिस सेलिंग भी है जो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मिस सेलिंग आपने जो शब्द यूज किया मैं वही इनफैक्ट बोलना चाह रही थी, ये मिस सेलिंग है। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप होम लोन ले रहे हैं तो आपको उसी बैंक से वही इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लेना है जो आपको बैंक बेच रहा है। ये टाइड इन सेल इस तरह से बैंक्स नहीं कर सकती। आरबीआई बहुत क्लियर है और इंश्योरेंस रेगुलेटर भी बहुत क्लियर है, इसलिए ये मत सोचिए कि अगर मैं इंश्योरेंस नहीं करूंगा तो मेरा होम लोन कहीं कैंसिल नहीं हो जाएगा। अभी अमित जी ने बहुत बखूबी समझाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं, आप एक टर्म प्लान अलग से लेकर के, बिल्कुल रिस्क होते हैं जिंदगी में उस पर आप कवर ले सकते हैं, पर होम लोन के साथ लेने की कोई जरूरत नहीं।